हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी थंबनेल देख के थे, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जिस तरह से मेरे चल रहे थे। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि गर्भावस्था में सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ, इस स्टेटमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में भी है। तो दोनों पहलुओं के ऊपर ज़रूर बात करूँगी और लास्ट में मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को है और जिनकी डिलीवरी हो गई है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले, बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि गर्भावस्था में सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उनसे मैंने ये लॉजिक पूछा था, जो एक दो लोग मुझे मिले थे, तो उनसे मैंने लॉजिक पूछा था कि जब भी इस तरह के प्रयोग हम लोग करते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन हो, सुई धागे का कहीं ना कहीं ये महत्व होता है। तो मुझे ये लॉजिक कहीं पर भी समझ नहीं आई, क्योंकि देखिए, सी सेक्शन होना या नहीं होना वो आपकी डिलीवरी या फिर आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी प्रेगनेंसी है या फिर डिलीवरी में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन आ गए तो डॉक्टर्स के पास लास्ट ऑप्शन आपकी सी सेक्शन ही बचती है, उससे सुई धागा का कोई कनेक्शन नहीं है। और रही बात, ये 9 महीना जो होता है ये काफ़ी लंबा टाइम होता है, अगर देखा जाए तो बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन देखा जाए तो तब भी लंबा ही टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कभी कभी लास्ट टाइम आते आते, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते, कभी कभी चीज़ें इतनी बोझिल लगने लगती है, लगता है कि कब डिलीवरी हो जाएगी, तो उन समय केसेस में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जा रही है, आप बहुत कंफर्टेबल हैं, सब कुछ है, आप मैनेज कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेस को, तो ये 9 महीने का टाइम बहुत ही छोटा लगता है। तो इस केस में आप, ये जो कहा जाता है ना, ये पूरा 9 महीने का टाइम ही काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें आपको ऐसी ज़रूरत पड़ ही जाती है घर में कि आपको सिलने का काटने का मौका मिल ही जाता है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या कभी बटन टूट गए या समथिंग, कुछ इस तरह का सिलने का प्रयोग होता ही होता है, तो आप कितना ज़्यादा अवॉइड करिएगा। और मान लीजिए कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसके अदर भी फैक्टर्स के बारे में आपको बता दूँ कि जब भी अगर कोई महिला अगर इस रिलेटेड है, अगर सुई धागे के काम से रिलेटेड है, उनकी बुटीक है, वो डिज़ाइनर है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनका पेशा ही, ऑक्यूपेशन ही यही है, तो वो क्यों वो काम नहीं करेंगे, वो बेसिकली वही काम करेंगी। तो इसलिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा मानना भी गलत है। और रही बात, अगर मान लीजिए कि अगर आप ये पूरे 9 महीने में आप अगर बटन नहीं लगा रही हैं, तो मे बी आपके साथ अगर कोई और रहता है तो वो आपकी मदद कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 9 महीने आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन रही बात कि अगर आपके साथ कोई लेडी नहीं है, कोई नहीं है साथ में, कोई इस तरह का व्यक्ति है ही नहीं जो आपकी मदद कर सके, तो उस वक्त आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कम्प्लीटली मेरे हिसाब से ये मिथ है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनको कभी ना कभी इस तरह के काम पड़ जाते हैं। लेकिन रही बात कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जब भी आपका गर्भावस्था का टाइम होता है उस समय अगर किसी तरह का ग्रहण होता है, ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अगर होता है, वो सूतक काल से लेके लास्ट टाइम तक उनको बिल्कुल भी काटने, सिलने, बुनाई तक का काम, चाकू तक का काम नहीं करना चाहिए। उस समय स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि बड़े बूढ़े जो भी बोले हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है, तो इस ड्यूरेशन में कम से कम आप ये बात ज़रूर माने। मैं पूरे 9 महीने की बात तो आपको नहीं कह सकती, क्योंकि मे बी आपका प्रोफेशन उस तरह का होगा जिस समय आप स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल के समय से लेके ग्रहण जब तक एंड ना हो तब तक सिलने का, काटने का, बुनने का, आपको कैंची तक की प्रयोग नहीं करनी है, पेन पेंसिल तक यूज़ नहीं करा है, तो इसके ऊपर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। और रही बात किन लोगों को और नहीं करना चाहिए, जिनकी डिलीवरी हुई है, जो कि अभी तुरंत तुरंत माँ बनी है, उनको कुछ भी महीन काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि पढ़ने तक का भी काम नहीं करना चाहिए जिसपे आपकी आँखों पे जोर पड़े, या फिर बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं कि जो अपने बच्चे के लिए कपड़े वपड़े भी सिलती हैं या कुछ करती हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको ये काम नहीं करना है। जैसे कि जो 40 दिन 50 दिन का जो वक्त होता है वो आप अपने लिए और बच्चे के लिए बेसिकली ज़रूर दें, क्योंकि उस समय आपका शरीर बहुत कमज़ोर होता है। तो इस तरह के महीन काम ऐसे बोले जाते हैं कि नहीं करना चाहिए, इससे आपकी आंखों की दृष्टि के ऊपर भी असर पड़ता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर अवॉइड होता है तो बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। और जितने हद तक आप लोग अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मान सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। लेकिन ये जो स्टार्टिंग का जो 40वां दिन होता है, जैसे कि बेबी बर्थ के बाद के 40 दिन
या 50 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उस समय आप अपना और अपने बेबी का केयर करिए। होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है, ऐसे ही आपको लगता है कि इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए तो दीजिए, नहीं ध्यान देना चाहते हैं तब भी दीजिए। जो भी करना चाहते हैं अपने कमेंट आप ज़रूर मुझे लिखिए कि आपके तरफ क्या चलता है, आप किस तरह की मिथ्स को मानते हैं, किस तरह के फैक्ट्स को मानते हैं, उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।